माइसेल्फ अंश, मेरे पास है वोल्वो की XC40 रिचार्ज जो कि इसकी है 5 सीटर इलेक्ट्रिक SUV, जिसका प्राइस आपको पड़ जाता है 56.20 लाख रुपीस। वरना ज़्यादा जैसे सिटी के अकॉर्डिंग वैरी करता है, तो कहीं कहीं पर गाड़ी 60 लाख तक की पड़ जाती है, 65 लाख तक की भी चली जाती है गाड़ी। अब इस गाड़ी में क्या कहा जाता है कि गाड़ी आपको 60 लाख रुपये में कौन सी EV मिल रही है भाई, वोल्वो की कंपनी अपनी, हाँ वोल्वो का आपको नाम मिल रहा है। इधर आपको अपने ऐसे बड़े बड़े लुक्स मिलते हैं, साइड से पे इसके अलावा इतने बड़े बड़े मिलते हैं ना आपको, यहाँ से आपको ऐसे लुक्स मिलेंगे। पूरी रूफ आपको ब्लैक मिलती है, पीछे से गाड़ी के लिए दिखा दूँ ना, पीछे भी आपको ऐसे मिलता है, यहाँ पे अपना वोल्वो लिखा हुआ है, इधर अपनी XC40 की बैजिंग आपको यहाँ मिलती है, और इधर यहाँ दिखाओ तो शर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिचार्ज ट्विन, और अपना सबसे बड़े फीचर इसमें जो भी वो भी आता है, जैसे अपने यहाँ पे मैं बूट को प्रेस करके रखूँगा तो अपने यहाँ पे ऑटोमेटिक जो अपना बूट यहाँ पे वो अनलॉक हो जाता है, और उसको क्लोज करने के लिए भी यहाँ पे आपको बटन मिल जाने डेडिकेटेड, जो कि इससे आप अपना क्लोज कर सकते हो ऐसे करके, ऑटोमेटिक अपने यहाँ पे बूट गेट अपना क्लोज जाता है। ऊपर आपको बड़ी सनरूफ मिलती है। भाई बात करते हैं 60 लाख रुपये में क्या मिलता है, सबसे पहले बात करूँ तो भाई इसका जो है ब्रांड का नेम वोल्वो जैसी गाड़ी में 60 लाख रुपये में क्या ऑफर करेगी। आपको इंजन की बात करते हैं, इसमें इंजन तो आता ही नहीं, बैटरी आती है जो कि पड़ती है 78 किलोवाट आवर की आपको बैटरी मिलेगी, जो एक बार चार्ज करोगे तो 500 किलोमीटर तक गाड़ी आपको रेंज ऑफर कर देगी, मतलब एक बार चार्ज करके 500 किलोमीटर तक बिल्कुल निश्चिंत रहो, गाड़ी चलाते रहो, इतनी आपको इसमें मिलती है। चार्जिंग टाइम को मिलता है 8 से 10 घंटे का, इसमें चार्ज 8 से 10 घंटे आपको चार्ज करो और इसमें आपको इतना कुछ मिल जाता है, यहाँ पे आपको ऐसी कुछ अपने लुक्स मिलेगी जो कि आपको हल्का फुल्का यहाँ पे मिलता है, ऐसे अपने DRS मिलते हैं, जिसको मैं अगर यहाँ पे ऐसे अभी लॉक करूँगा ना गाड़ी को तो ये देखना ऐसे कुछ यहाँ पे अपने बहुत बढ़िया DRS मिलते हैं, जैसे मैं प्रेस कर रखूँगा तो यहाँ पे गाड़ी अपनी लॉक अनलॉक हो जाती है इजीली, अपना लॉक करने के लिए आपको ऐसे कुछ अपना मिल जाता है। यहाँ पे आपको ऐसी अपनी कुछ ग्रिल मिलती है, इधर अपने नीचे यहाँ पे वेंट्स मिलेंगे, इधर अपना वोल्वो के नंबर प्लेट जो है इधर, और यहाँ पे इसमें आपको टोएंगो का बटन यहाँ मिलेगा, यहाँ पे DRS मिल जाएंगे, पार्किंग सेंसर आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं आगे। वोल्वो जैसी गाड़ी में अगर बात करें तो 1, 2 और 3, 4, 6 आपको आगे पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, जो कि सही है। अब गाड़ी की इस साइड से बात करें तो यहाँ से भी गाड़ी अपनी पूरी लग्जरी लगती है, देखो ना अगर मैं गाड़ी को हाइट से दिखाऊं तो कुछ गाड़ी अपनी ऐसी लगती है। यहाँ पे एक बार अलॉय व्हील के टायर की साइज़ की बात करते हैं कि 60 लाख रुपये में आपको वोल्वो क्या ऑफर कर रही, टायर साइज़ की बात कुछ में आपको मिलते हैं अपने R19 इंच के आपको अलॉय व्हील मिलेंगे, ऐसे कुछ वोल्वो के 4 आपको डिस्प्ले मिलते हैं इस वाली गाड़ी में, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गाड़ी मिलती है आपको यहाँ पे, पीछे से भी अपने यहाँ पे टेल लैंप्स हो के अपने यहाँ पे जो भी स्कॉर्पियन है सब ने रिपीट हुए हैं, ऐसे कुछ आपको अपने यहाँ पे अपनी मिलती है, अपनी थोड़ी गंदी और की गाड़ी, शार्क एंटीना मिलता है आपको। अब दिखा दे गाड़ी के अंदर मेन जाएगा, मेन हमें गाड़ी के अंदर क्या मिलता है, बाकी पीछे बात करो तो पीछे भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं 6 पार्किंग सेंसर पीछे भी मिल जाते हैं, तो कहीं भी कंजूसी नहीं कर रखी वोल्वो जैसी कंपनी, भाई कहाँ कंजूसी करती है। अगर गाड़ी को अंदर दिखाओ ना, यहाँ पे आपको इस साइड को सेंसर नहीं मिलता, बस आपको यहाँ पे एक बटन मिलता है अपने यहाँ पे, आपको एक ऐसे अपना करके अगर गाड़ी को मैं अनलॉक कर लूँ तो यहाँ से अपने गाड़ी यहाँ पे ऐसे अनलॉक हो जाती है, ऐसे कुछ भाई इसका डोर पैनल आता है जो कि बहुत ही लग्जरी फील होता है। यहाँ पे जो अपने लिखा हुआ है हरमन कार्डन के आपको स्पीकर मिलते हैं, जो कि वही आपको टाटा मिलते हैं वही आपको इसमें मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको जो अपने यहाँ पे मेमोरी शीट्स आपको मिल जाती है, जैसे मैं यहाँ पे 1 दबाऊँगा तो जहाँ पे यहाँ पे अपनी सीट्स और अपना स्टीयरिंग व्हील है वो अपने यहाँ पे ऐसे एडजस्ट हो जाता है, जैसे 2 दबाऊँगा तो सारा अपने यहाँ पे ऐसे अपना पूरा एडजस्ट हो जाएगा, स्टीयरिंग व्हील भी उधर भी ऐसे कुछ अपने यहाँ पे आता है। कंट्रोल्स की बात करते हैं, यहाँ पे आपको 4 पावर विंडो कंट्रोल मिलते हैं, अपना शीशा एडजस्ट करने के लिए आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, जो कि अपने बेसिक सारी गाड़ी में फीचर आते हैं। सॉफ्ट टच आपको यहाँ मिलेगा, 1 लीटर की बड़ी बोतल रखने की जगह मिलती है, और अपनी सीट बेल्ट जो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, एक बार सीट बेल्ट हटा लूँ मैं गाड़ी की, ऐसी कुछ वही अपनी आप गाड़ी अंदर से लगती है। पूरा दिखाओ ना आपको, पूरा इसमें आपको लग्जरी फील मिलती है, ऊपर बड़ी सनरूफ, रूफ ब्लैक कर रखी है। एक बार गाड़ी के अंदर बैठ के दिखाता हूँ आपको, यहाँ जाकर तो मैं गाड़ी के अंदर बैठ के भाई बहुत ही बढ़िया लगता है देखने में ना, सब कुछ सही लग्जरी मिल रही है यहाँ पर। यहाँ पे अपना की रखने के लिए आपको जगह मिल जाएगी, अपना यहाँ पे जो वाले चार्जिंग पैड आपको यहाँ मिलता है, इधर अपना यहाँ पे एक एस ट्रे मिल जाती है जो कि आज वाली गाड़ी में नहीं मिलती पर इसमें मिल रही है। बाकी यहाँ जो है इसका अपना यहाँ पे इधर भी आपको थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाती है, और बाकी इधर भी आपको ग्लव बॉक्स में स्पेस मिली जाएगी। ये अपना वोल्वो का स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे 3 फोर्क मिलता है, जो कि बहुत ही सॉलिड फील हो रहा है मेरे को ना टच करने में। यहाँ पे जो इसमें आपको इस वाली गाड़ी में भी अपना मैनुअल मिलता है, टेलीस्कोपिक टिल्ट। इस प्राइस सेगमेंट में प्रीफर कर रहा था कि अगर यहाँ पे अगर मैं सोच रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे आपको एक डायल मिलेगा जैसे टोयोटा में मिलता था, पर इसमें नहीं दे रखा, थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग है। बड़े बड़े आपको इस इवेंट मिलेंगे, यहाँ पे आपको ट्विटर भी इधर मिल जाएंगे, ऐसे कुछ भाई बड़ी सी वोल्वो की स्क्रीन आती जो कि भैया बहुत ही बड़ी लगती देखने में। यहाँ पे पूरा आपको एप्पल कार प्ले और सब सपोर्ट मिलता है, और बहुत ही सही मिलता है यहाँ पे ना। बाकी स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स की बात करो, यहाँ पे आपको ऐसे कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं अपने यहाँ पे, जैसे गाड़ी इधर दिखाओ ना, ये देखो अपने जो म्यूजिक कंट्रोल से आपको शायद मिले, मैं यहाँ पे करूँगा ना, ओके
मैं ढूंढू तुझे हर जगह हर जगह, कहाँ छुप के तू बैठी जरा दे बता। आई भर के जवानी भाई, बहुत ही बढ़िया आपको स्पीकर क्वालिटी मिलती है यहाँ पे ना, मतलब सही से लग रहा है। हरमन कार्ड के स्पीकर बेस्ट होते हैं इस मामले में, और बाकी हर जर्मन गाड़ी की तरह आपको यहाँ पे जो अपने इधर अपने डिपर मिलते हैं, और इधर साइड बात करो तो यहाँ पे इंडिकेटर अपने यहाँ पे ऐसे मिल जाते हैं, वाइपर कंट्रोल आपको साइड मिलते हैं, और जो अपने इंडिकेटर कंट्रोल आपको यहाँ मिलते हैं। बाकी गाड़ी के अंदर से पूरी ऐसी लगती है, हॉर्न सुनाओ ना आपको गाड़ी का, तो बहुत ही बढ़िया आपको गाड़ी में हॉर्न मिलता है। इधर से दिखाऊं तो यहाँ पे जो अपना म्यूजिक कंट्रोल सारे इसमें इंफोटेनमेंट के आपको यहाँ से मिल जाएंगे, जो कि अपना है। तेरी आंखों पे मर गया, बहुत ही बढ़िया स्पीकर मिलते हैं, तो थोड़ा थोड़ा मूव हुई जो। और बाकी ऊपर दिखाओ तो यहाँ पे जो अपने यहाँ पे लाइट्स मिल जाती है आपको ऐसे कुछ करने है। और सनरूफ जो भाई आपको गाड़ी में आपको यहाँ मिलती है, दिखाओ ना तो भाई आपको ऐसे कुछ अपनी सनरूफ मिलेगी जो कि पूरी ऐसे खुल जाती है, देखते कहाँ तक खुलती है भाई। देखो पूरी पीछे चली गई, मैं दोबारा प्रेस करूँगा ना तो ये इसकी अपनी जो मेन वाली वो एक और बार खुल जाती है, इसे मैं दोबारा प्रेस करूँगा यहाँ पे, एक सेकेंड। अब भाई अपनी सनरूफ खुल चुकी है, यहाँ पे ना आपको कुछ अलग फीचर मिलता है, यहाँ पे ना आपको बटन नहीं मिलते, यहाँ पे आपको फिजिकल टच मिलता है। इधर आपको मिल जाएगा पैसेंजर एयरबैग ऑफ करने का ऑन करने का बटन, आपको यहीं से मिल जाता है। आरवीएम इसका बहुत ज़्यादा इसमें आपको लग्जरी मिलता है, मतलब बिल्कुल ना स्लीक से डिज़ाइन मिलेगा लग्जरी से, यहाँ पे अपना ऐसे कुछ अपना मिशीट मिलती है। और गाड़ी में आपको 360 कैमरा भी ऑफर होता है जो कि यहाँ पे दे रखा है हमें वोल्वो ने, आपको सही अपना यहाँ पे मिल रहा है, ठीक ठाक अच्छा खासा व्यू मिल रहा है। और बाकी भाई ऐसा कुछ अपने यहाँ पे स्टीयरिंग मिल जाता है। एक बार डोर को बंद कर लेते हैं और भाई यहाँ से ना आपको ऐसे कुछ गाड़ी के अंदर आपको दिखाते हैं साइड से ना, स्कूटी वूटी चारे देखना, अभी यहाँ पे एक आदमी जाएगा ना ये देखना, हल्का फुल्का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे अपनी गाड़ी में आपको ऐसे कुछ अपने यहाँ पे गियर ना मिलेगा जो कि थोड़ा स्टाइलिश आता है, यहाँ पे ना आपको अपना डी लगाने के लिए एन लगाने के लिए आपको सारे अपने बटन यहाँ मिल जाएंगे, डी पे आर के भी, अभी मैं ऊपर करूँगा तो एन पे आ जाएगी, यहाँ पे अपना रिवर्स पे आ जाती है जो कि आपको बहुत इसमें लग्जरी फील होती है। मैं दोबारा करूँगा ना यहाँ पे अपनी डी पे आर के, और बाकी सारे अपने यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा के बटन आपको यहीं मिल जाते हैं जो बाकी भाई कुछ अपनी यहाँ पे लगती है। यहाँ पे अपने एसी कंट्रोल्स के आपको बटन यहाँ मिल जाएंगे, 360 कैमरा मैंने आपको दिखाई दे, अपने चारों आपको व्यू मिल जाते हैं अलग अलग टाइप से अपने कर सकते हैं एडजस्ट। ग्लव बॉक्स की बात करो तो यहाँ पे अपने ऐसे कुछ आपको ग्लव बॉक्स मिल जाएगा जो कि कूल्ड मिलता है आपको। और बाकी गाड़ी अंदर से भाई पूरी अपनी ऐसी लगती है, यहाँ पे सनरूफ अगर मैं दोबारा हमें बंद करनी तो ऐसे कुछ अपने यहाँ पे आप कर सकते हो, एक सिंगल टच में आप अपनी सनरूफ ऐसे कर सकते हो स्विंग। अब एक बार जाके भाई आपको दिखा दूँ ना गाड़ी का रियर कैबिन, दिखाओ ना आपको तो यहाँ पे आपको ऐसे कुछ अपने यहाँ पे डोर मिलते हैं, इधर भी आपको सॉफ्ट टच मिलता है पूरी पे, और पीछे भी गाड़ी भाई आपको पूरी लग्जरी मिलती है। यहाँ पे कंफर्ट दिखाओ ना गाड़ी का बैठ के एक बार अंदर जाके, तो भाई अंदर से पूरी गाड़ी आपको यहाँ पे ऐसे कुछ मिलती है, पूरा आपको मिलता है यहाँ पे जो अपनी अच्छा खासा लेगरूम मिलेगा। इसमें बात करो तो यहाँ पे जो आर्मरेस्ट है वो बहुत ही बड़ा मिलता है आपको, दो कप होल्डर मिलते हैं डेडिकेटेड, बीच में आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाएगा, बड़ी सी अपनी सनरूफ मिल जाती है, और गाड़ी में आपको बस यहाँ पे पूरा ब्लैक ब्लैक अपना ऑफर होता है, और इधर अपने ऐसे कुछ होता है। बाकी ये था भाई अपना वोल्वो XC40 कैबिन, एक बार डोर की थर्ड सुनो आप, बहुत ही बढ़िया थर्ड मिलती है। अगर मैं आपको बोर्ड थोड़ा दिखाऊँ ना तो यहाँ पे वही जो अपना सिस्टम है इसमें आपको मिलता है, एक सेकेंड, अपना सिंगल टच पे जब अपनी पूरी बूटे हम लोग हो जाती है, और बूट स्विच जब कुछ खासी मिल जाएगी, यहाँ पे आपको एक वेंट मिल जाएगा जैसे आपको अपना फ्रंट वाला कैबिन एक्सेस करना है रियर वाले के लोगों को, तो अपना यहाँ पे आपको पूरा सब कुछ मिल जाता है। स्पेयर भी लोग वोल्वो का सबसे अलग मिलता है आपको यहाँ पे ना, चेन वेयर में दे रखा है पूरा बढ़िया। नीचे बात को तो यहाँ पे अपना टूल किट मिल जाते हैं, और भाई अपने यहाँ पे भाई अपना बंद कर सकता है वैसे करके, भाई बहुत ही बढ़िया आपको इसमें ना लुक्स मिल जाते हैं वोल्वो XC40 में, भाई बहुत वैल्यू फॉर मनी 60 लाख रुपये में ना ठीक ठाक वो फीचर मिल जाते हैं। वोल्वो जैसी कंपनी अगर इतने ठीक ठाक फीचर ऑफर कर रही है तो क्या बुराई है, आगे सब लुक देखो इसके। अब इसका DRL ऑन रखा है, ऐसे अपने लुक्स निकल के आती गाड़ी में, ये देखो सही लुक्स मिल रही है भाई आपको इसमें ना। सो भाई ये थी आज की वोल्वो XC40 रिचार्ज की वीडियो, होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मिलते हैं नई वीडियो में नई गाड़ी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जय श्री राम।